उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक हफ्ते से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन मिलेगी तमाम एजेंसियां, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम जो लगातार 24 घंटे रेस्क्यू में जुटी हुई है। ताजा अपडेट की बात करें तो सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ड्रिलिंग कर रही अमेरिकी ऑगर मशीन के सामने एक फिर बाधा आई। 4:30 बजे मशीन से करीब 24 घंटे बाद फिर ड्रिलिंग शुरू की गई, लेकिन फिर ऑगर के आगे लोहे के पाइप आ गए। मजदूरों को निकालने के लिए टनल के अंदर एक स्टील का 3 फीट चौड़ा पाइप ड्रिल करके डाला जा रहा है। इस पाइप के सहारे मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। लेकिन बुधवार शाम रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टनल के बाहर मौजूद भीड़ मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सबकी सांसें अटक गई। दरअसल स्टील के जिस पाइप को टनल के अंदर डाला जा रहा था उसके सामने लोहे की रॉड आई, ड्रिल मशीन बंद हो गई। यहां से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही मजदूर फंसे थे। इसके बाद एनडीआरएफ के जवान आगे आए और कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। दरअसल रात करीब 7 बजे ड्रिल मशीन के आगे लोहे का ब्लॉकेज आ गया। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया। बाहर खड़े लोगों की धड़कनें बढ़ गईं, लोग निराश हो गए। इसके बाद एनडीआरएफ के जवानों ने ड्रिल मशीन के आगे धातु की रॉड को हटाने का बेड़ा उठाया। जवान पीठ पर गैस कटर टांग कर 3 फीट चौड़े पाइप में घुस गए। ये काम बेहद मुश्किल और खतरों से भरा हुआ है। गैस कटर से वो झुलस सकते थे। उन्हें इतने ज्यादा तापमान में काम करना था जहां सांस लेना तक मुश्किल था। बुधवार रात 10 बजे तक छोटे से चैनल में गैस कटर की लपटों की वजह से जवान डिहाइड्रेट हो गए, लेकिन उनके ना तो पैर रुके और ना ही उनका हाथ। वो लगातार अपने काम में लग गए। 3 जवान एक एक कर पाइप के अंदर गए। ये लोग 10-10 मिनट के अंतराल के बीच में गए। जवानों ने मेटल ब्लॉकेज को वहां से हटाया और बाहर निकाला, लेकिन अभी भी परेशानी खत्म नहीं हुई है। मेटल रॉड के साथ वहां एक जाली भी है जो 32 mm लोहे की सरिया से बनी है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ के जवानों को इस तरह के मिशन के लिए कोई भी खास ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए दिल्ली की प्राइवेट कंपनी ट्रांसलेंस इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक्सपर्ट्स को बुलाने का भी फैसला हुआ, जो अमेरिकी बर्मा मशीन के भी मालिक है। खबरों के मुताबिक कंपनी के तकनीकी टीम के सदस्य का कहना है कि प्रवीण और बलविंदर एनडीआरएफ टीम के सहयोग से 45 मीटर लंबे पाइप के रास्ते के अंदर रेंगते हुए गए। उन्हें खास तरह के मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए गए थे। वो लंबे समय तक पाइप के अंदर रहे। गैस कटर से अपना काम करने के बाद ही वो वहां से बाहर निकले। हालांकि प्रवीण को कुछ मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी, लेकिन अब उनकी हालत ठीक है। खबरों के मुताबिक एनडीआरएफ के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि हम एक समय पे सिर्फ एक ही इंसान को अंदर भेज सकते थे। यहाँ हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। उनकी बहादुरी और तकनीकी कौशल की सराहना करते हुए प्रवीण और बलविंदर का भी कहना है कि ये उनका सबसे कठिन ऑपरेशन था और उनके पूरे करियर में अपनी तरह का पहला ऑपरेशन था। बाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उनसे मुलाकात की और कार्यक्रम स्थल पर संबोधित लोगों के सामने उनके नामों का उल्लेख करना सुनिश्चित किया। उन्होंने फंसे मजदूरों को प्रवीण और बलविंदर और एनडीआरएफ के जवानों के बारे में भी बताया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।